माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने स्टील की मैन्युफैक्चर का सेकंड मेथड डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास होता है बेसमर्स प्रोसेस। ठीक है, तो आज हमने उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेसमर्स प्रोसेस की, कि हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह होता है। द प्रोसेस इन विच स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग cast iron in a furnace through a blast of hot air। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन को एक फर्नेस के अंदर हीट करते हैं, किसके थ्रू, एक हॉट एयर के ब्लास्ट के थ्रू, यानी कि बहुत तेज स्पीड की जो हॉट एयर होती है ना, उससे हम इसको क्या करते हैं, कास्ट आयरन को हीट करते हैं एंड रिमूविंग आउट इम्प्योरिटीज सच एज कार्बन, और इसी तरह जो इम्प्योरिटीज हैं उनको भी हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करवाते हैं इससे, क्योंकि हमारे पास जब हॉट एयर जो है वो बहुत ही स्पीड में किसी चीज पे हम डालते हैं ना, तो उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं ना वो निकल जाती हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम जब स्टील प्रोड्यूस करेंगे इस प्रोसेस से, तो हमारे पास ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर से हमारा कास्ट आयरन भी हीट अप हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और हमारे पास इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके एपरेटस के बारे में। अब हमारे पास जो फर्नेस यहां यूज होती है ना बेसमर प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं बेसमर कन्वर्टर। द फर्नेस यूज्ड इज कॉल्ड बेसमर कन्वर्टर। ठीक है, वो किस शेप की होती है, पियर शेप की। जैसे आपके पास पियर नहीं होता, यानी कि जो अमरूद की शेप होती है या नाशपाती आपने देखी होगी उसकी शेप होती है, वैसा ही हमारे पास ना एक कन्वर्टर होता है। इट इज अ पियर शेप्ड वेसल। पियर शेप क्या होती है, वेसल होती है बेसमर कन्वर्टर की, मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स, और वो किससे बनी होती है, स्टील प्लेट्स से बनी होती है। एट द बॉटम ऑफ द वेसल, अब जो वेसल की नीचे वाला उसका पोर्शन होता है ना, उसके नीचे होल्स होते हैं। एट द बॉटम ऑफ वेसल देयर आर अ नंबर ऑफ होल्स थ्रू विच होल्स से क्या इंट्रोड्यूस हो सकती है, हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होल्स रखे जाते हैं। नंबर ऑफ होल्स थ्रू विच हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो वेसल का बॉटम है वहां से हम हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इसीलिए उसके अंदर होल्स रखे जाते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट है, कि द कन्वर्टर इज प्लेस्ड ऑन अ सेंट्रल एक्सिस। कन्वर्टर को ना एक एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ताकि उसे रोटेट करवाया जा सके या उसकी पोजीशन चेंज की जा सके। टू रोटेट इट्स पोजीशंस
ठीक है, टू रोटेट इट्स पोजिशंस फॉर फीडिंग एंड पुअरिंग आउट फिनिश्ड मटीरियल्स। ठीक है, तो उसकी पोजिशंस को चेंज करवाने के लिए हम इसको सेंट्रल एक्सिस पे रखते हैं, ताकि हम उसके अंदर अगर हमने कोई फीड करना है किसी भी पार्टिकल को तो वो भी हम उसके अंदर डाल सकें, और अगर हमने पुअर करना है, बाहर निकालना है ना किसी पार्टिकल को या मटेरियल को, तो हम वो भी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एपरेटस आ जाता है। अब एपरेटस की ना मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ, किस तरह का हमारा ये जो वेसल है ना, किस तरह की होती है। ठीक है, तो इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर होता है वेसल का, यानी बाहर से वो इस तरह की दिखती है, और अगर हम अंदर की बात करें, अगर हम अंदर वाले पोर्शन की बात करें ना, तो अंदर इस तरह जो होती है ना स्टील प्लेट्स, वो इस तरह अटैच होती हैं। ठीक है, इसका अंदर वाला जो हमारे पास जो रियल व्यू है ना इसका, वो इस तरह होता है, और आउटसाइड जो व्यू है वो इस तरह का है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो है वो वेसल है, और ये नीचे ना सेंट्रल एक्सिस है जिसपे क्या करती है, ये रोटेट करती रहती है। जब भी हमने इसको क्या करवाना है, इसके अंदर हमने अगर कोई चीज ऐड करनी है या कोई चीज रिमूव करनी है, तो हम इस एक्सिस को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ना एपरेटस के हवाले से आ गया कि बेसमर कन्वर्टर में हम क्या यूज करते हैं और उसके अंदर किस कैसी कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की, कि हमारे पास ना जो प्रोसेस होता है इस पूरे कन्वर्टर के अंदर वो किस तरह होता है। प्रोसेस इन्वॉल्व, सबसे पहले जो हमारे पास हम मोल्टन आयरन को डालते हैं ना इसके अंदर, मोल्टन कास्ट आयरन जो हमने डाला है, मोल्टन कास्ट आयरन इज फेड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस जो है ना, जहां से हम हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वहां से पहले हम कास्ट आयरन को ना उसमें से हीट करवा देते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो मोल्टन कास्ट आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से उसे कहाँ शिफ्ट किया जाता है, वेसल के अंदर, ठीक है, इनटू द वेसल एंड हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमारे पास जो मोल्टन कास्ट आयरन है वो हमने वेसल के अंदर डाल दिया। अब वेसल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले द कार्बन सिलिकॉन एंड मैंगनीज आर ऑक्सीडाइज्ड। अब जैसे हमने ओपन हर्थ प्रोसेस पढ़ा था ना, ओपन हर्थ प्रोसेस में भी सबसे पहले इम्प्योरिटीज जो होती हैं ना वो ऑक्सीडाइज होती हैं, तो इधर भी यही कुछ होगा कि कार्बन सिलिकॉन और मैंगनीज क्या हो जाएंगे, आर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दीज ऑक्साइड्स फिर ये मिल के क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लैग। दीज ऑक्साइड्स फॉर्म अ स्लैग ऑफ MnSiO3। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना, जब कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बर्न्स इन द ब्लू फ्लेम. अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस होके ना जो वेसल होता है उसके ऊपर से ना एग्जिट आउट कर जाती है, और वहां जाके क्योंकि हमारे पास साथ ही ना ब्लास्ट फर्नेस भी इधर अटैच है जहां से हम हॉट एयर अंदर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना वो वहां जाके ना हीट होना स्टार्ट हो जाती है और ना ब्लू फ्लेम के अंदर जलना शुरू हो जाती है. ठीक है, यानी कि जब वो आग जो प्रोड्यूस करती है ना वो ब्लू फ्लेम की हीट होती है, बर्न्स इन द ब्लू फ्लेम. और जो हमारे पास आयरन है वो क्या करता है, आयरन इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, आयरन पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Fe2O3 में, 2Fe2O3, एंड इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स कार्बन. अब जो आयरन होता है ना उसके अंदर भी तो थोड़ी सी कार्बन अगर बच गई है ना, तो वो कह रहा है कि आयरन पार्शियली ऑक्सीडाइज होता भी है और साथ वो जो थोड़ी सी कार्बन बच गई है उसको भी ऑक्सीडाइज करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो एंड इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स कार्बन एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, अब हमारे पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी यानी बहुत एक्सेस में फॉर्मेशन हो गई तो हम क्या करते हैं, फेरोमैंगनीज जो हमने ओपन हट प्रोसेस में भी ऐड किया था, फेरोमैंगनीज इज एडेड विच करेक्ट्स द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इम्पार्ट्स डिजायर्ड क्वालिटीज टू द मोल्टन स्टील. ठीक है, तो अब जो स्टील प्रोड्यूस हो रही है ना, जो फेरोमैंगनीज है वो क्वालिटीज प्रोवाइड कर देता है स्टील को. कौन सी क्वालिटीज, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की जो है वो इम्प्रूव कर देता है, उसी तरह स्टील के अंदर ना हार्डनेस पैदा कर देता है ताकि वो जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में होती है ना, तो उसके अंदर हार्डनेस डालने के लिए हम फेरोमैंगनीज को ऐड करते हैं. तो हमारे पास फेरोमैंगनीज एडिशन हो गई. अब अगर हमारे पास स्टील के अंदर कुछ जो है बबल्स प्रेजेंट है एयर के, वो ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के भी, कार्बन डाइऑक्साइड के भी, तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं इसके अंदर, इन ऑर्डर टू रिमूव एयर बबल्स विच आर ट्रैप्ड इनसाइड सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 आ लिटल एल्यूमिनियम, थोड़ा सा एल्यूमिनियम या तो डाल देते हैं और फेरोसिलिकॉन डाल देते हैं इज ऑल्सो एडेड. ठीक है, तो ये चीजें भी ऐड इसमें हम करते होते हैं एट द एंड. अब लास्ट में क्या होता है, वही कास्टिंग के जो मोल्टन स्टील प्रोड्यूस हुई है उसको हम मोल्ड्स में डाल देंगे ताकि वो उसकी कास्टिंग हो जाए. एट द एंड द मोल्टन स्टील इज शिफ्टेड टू मोल्ड्स फॉर कास्टिंग. ठीक है, तो ये आपके पास ना पूरा प्रोसेस है जो बेसमर कन्वर्टर के अंदर हम करते होते हैं, कि सबसे पहले हमने कास्ट आयरन को मेल्ट किया, उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई. ठीक है, उसके बाद हमने फेरोमैंगनीज की एडिशन कर दी जिसने स्टील को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी. ठीक है, हार्डनेस जैसी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसी, और फिर एंड में हमने एयर बबल्स को भी रिमूव करने के लिए लिक्विड लिटल एल्यूमिनियम
और फेरोसिलिकॉन जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि एयर बबल्स भी रिमूव हो जाएं, और लास्ट में हमने कास्टिंग कर ली हम अपने मोल्टन स्टील की। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रिएक्शंस, कि इसमें रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने ओपन हार्ट प्रोसेस में रिएक्शन देखे थे ना, ये भी सेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले कार्बन की क्या है, ऑक्सीडेशन है, कार्बन प्लस हाफ ओ टू, तो ये हमारे पास बनेगा CO। उसके बाद सिलिकॉन और ऑक्सीजन बनाएगा SiO2। उसके बाद हमारे पास Mn और हमारे पास हाफ ओ टू जो है वो प्रोड्यूस करेगा 2MnO। और अब SiO2 और MnO मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, MnSiO3 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आयरन की भी क्या हो जाती है, आयरन भी पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आयरन भी सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, 2Fe2O3, ठीक है। और हमारे पास जो Fe2O3 है वो 3 कार्बन के साथ मिलके आयरन प्रोड्यूस करेगा, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास ना रिएक्शंस आ जाते हैं कि हम बेसमर्स प्रोसेस में ये वाले रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास ना एक डायग्राम बनी हुई है आपकी FSC पार्ट 2 की बुक में, तो वो भी हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास इस तरह की डायग्राम है, आपके पास इधर वायर्स अटैच हुई हुई हैं, ठीक है। और हमारे पास जो बीच में हमारे पास ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास नीचे क्या है, सेंट्रल एक्सिस, और इधर आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारे पास क्या कर जाती है, एग्जिट आउट कर जाती है, ठीक है। और इधर ही वो जो है ब्लू फ्लेम में क्या होती है, बर्न आउट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ना डायग्राम आ गई जो है आपके बेसमर कन्वर्टर की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।